उत्तराखंड की पवित्र नगरी हरिद्वार में किस तरीके से महाकुंभ का आगाज हो रहा है ये दिखा देते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर आज पहला शाही स्नान है, बहुत ही खास है आज का दिन और इसके लिए भव्य और पुख्ता तैयारियां की गई हैं। आस्था का अनूठा संगम बना है गंगा का ये किनारा, पावन नदी की कल कल धारा श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही है। सजी धजी हरिद्वार नगरी इस बार महाकुंभ की मेजबान है। आज वो पावन मौका भी आया है जब महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा। आज महाशिवरात्रि है, अद्भुत संयोग कहिए कि आज के दिन शाही स्नान भी है। वैसे आधिकारिक रूप से इस महाकुंभ का आयोजन 1 अप्रैल से हो रहा है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाशिवरात्रि के मौके पर शाही स्नान के साथ ही इसकी शुरुआत हो रही है। जब बड़े बड़े अखाड़े महामंडलेश्वर और उनकी पेशवाई अपनी झांकियां लेते हुए हर की पौड़ी की तरफ आएंगे तो इस हर की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड पर वो पवित्र गंगा में स्नान करेंगे, आचमन करेंगे और उसके बाद व्यवस्था ऐसी है कि दरअसल अखाड़ों का आना इधर से शुरू हो और दूसरे रास्ते वो निकल सकें ताकि जितने अखाड़े हैं हजारों की संख्या में उनके अनुयायी हैं वो सब उसका हिस्सा बन सकें और इस महाकुंभ महापर्व में शामिल हो सकें। गंगा किनारे ब्रह्मकुंड से लेकर हर की पैड़ी के तमाम घाटों पर शाही अखाड़े और महामंडलेश्वर अपने शिष्यों के साथ शाही स्नान करेंगे। उस वक्त महाकुंभ की छटा अद्भुत और अविस्मरणीय होगी। कुंभ का तात्पर्य ही वह है जिसमें अमृत भरा हो। देवासो संग्राम में समुद्र मंथन की घड़ी में जिस अमृत कलश को लेकर के महाराज धन्वंतरी प्रकट हुए, उस कलश को लेकर के देवता और दानों में जो युद्ध छिड़ा और वो कलश जहाँ जहाँ छलका, जहाँ जहाँ बूंदे गिरी, उस स्थान पर ठीक 12 वर्ष में पुनः सूर्य स्थापित होते हैं। यानी सूर्य मकर में आएंगे तो प्रयाग होगा, सूर्य मेष में आएंगे तो उज्जैन होगा, सूर्य वृश्चिक में आएंगे हरिद्वार होगा, सूर्य शनि में जाएंगे तो नासिक में होगा। इस प्रकार से जैसे सूर्य की गणना 12 वर्ष में जहाँ घटित होती है उस स्थान पर वो बूंदे गिरी, उसी स्थान पर कुंभ का परिवेश होता है। मान्यता के मुताबिक सबसे पहले साधु संत गंगा में पवित्र डुबकी लगाते हैं, फिर आम श्रद्धालु। शाही स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे अखाड़ों का वक्त तय है। शाही स्नान से पहले अखाड़ों के साधु संत पालकी, हाथी, ऊंट, घोड़े पर बैठकर पेशवाई निकालते हैं। आज महाशिवरात्रि पर पहला शाही स्नान है। इसके बाद 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के दिन दूसरा, 14 अप्रैल को मेष संक्रांति और वैशाखी के मौके पर तीसरा और 27 अप्रैल को चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन चौथा शाही स्नान होगा। शाही स्नान के मौके पर घाटों पर जबरदस्त इंतजाम है, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है, सुरक्षा भी अभूतपूर्व है। घाटों के किनारे और गंगा की कल कल करती धारा में भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। यहां 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। 500 सीसीटीवी कैमरे और 1200 निजी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, एटीएस, एनएसजी की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। घाटों पर एसडीआरएफ के जवान मौजूद हैं। तमाम केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट मोड में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से भीड़ और लावारिस वस्तुओं पर नजर रखी जा रही है। मॉनिटरिंग के लिए आधुनिक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पूरे हरिद्वार में कोरोना से लड़ने की जो तैयारियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन पुलिस हो, अर्धसैनिक बलों की व्यवस्था यहां सबसे ज्यादा है। एसएसबी से लेकर के सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और दूसरे जो टुकड़ियां हैं उन सबको पूरी हर की पौड़ी में चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बंदोबस्त किया गया है, कहीं कोई लावारी सामान मिलेगा तो वो अपने आप डिटेक्ट किया जा सके। इन सब तैयारियों के साथ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस महाकुंभ को अद्भुत, अविस्मरणीय बनाने की पूरी कोशिश है।
वेदों में महाकुंभ के महत्व का पूरा बखान है। अथर्ववेद के अनुसार कुंभ में स्नान सभी लोगों से मुक्ति प्रदान करता है। दिलीप सिंह राठौर और मुदित अग्रवाल के साथ आशुतोष मिश्रा, हरिद्वार आज तक। तो आशुतोष लगातार हमारे साथ हरिद्वार से बने हैं। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, कहा तो जाता है कि आज का स्नान मतलब शाही स्नान मतलब अमृत के समान पानी में स्नान, इसीलिए शायद श्रद्धालुओं की अगाध बहुत श्रद्धा है, लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पहले तमाम पेशवाई के बाद जो अखाड़े हैं उनका स्नान होता है और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है घाटों को। इस बार पहले श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो व्यवस्था की गई है ये दरअसल समय को देखते हुए की गई है और अथर्ववेद में कहा गया है कि कुंभ में जब आप गंगा स्नान करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, सब लोगों से तर जाते हैं। अब दरअसल यहाँ व्यवस्था की जरूरत इसलिए पड़ी, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें एक बार सुबह की कि अब बस सूरज उगने वाला है और चूंकि ये जो समय रखा गया था कि 8 बजे तक जो श्रद्धालु हैं देश भर से पहुंचेंगे, यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में पहुंचेंगे, तो उनको स्नान करने का मौका इसलिए दिया गया क्योंकि अखाड़ों का समय रखा गया 10 बजे से। उसके पीछे जो प्रशासन का तर्क था वो ये कि अखाड़ों की संख्या है ज्यादा, अखाड़ों की पेशवाई निकलती है तो कई बार एक एक पेशवाई को एक एक घंटे लग जाते हैं घाटों तक पहुंचने में, स्नान ध्यान करने में, और ऐसे में 13 अखाड़े हैं तो ये मान के चलिए कि 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। तो ऐसे में बाकी जो श्रद्धालु हैं जो आए हैं शिवरात्रि पे स्नान करने के लिए, उन्हें वो पुण्य कैसे मिलेगा? और इसीलिए उस प्राप्ति के लिए ये समय रखा गया कि जो लोग आए हैं तड़के 4 से 5 बजे तक, 6 बजे गंगा आरती है, वो उसमें भी हिस्सा ले सके, स्नान ध्यान यानी लगभग 3 से 4 घंटों का समय बाकी श्रद्धालुओं के लिए रखा गया और ये सारे घाट खोल दिए गए। अब आपको सीधे ब्रह्मकुंड की तस्वीर दिखाते हैं। ब्रह्मकुंड घाट, क्योंकि दरअसल दूसरी तरफ से जहां से अखाड़ों की पेशवाई आएगी वो ब्रह्मकुंड के आगे जितने भी हर की पैड़ी के घाट है वहां स्नान करेंगे पेशवाइयों के साथ बड़ी गाड़ियां, क्योंकि प्रशासन लगातार कह रहा है कि जैसे प्रयागराज कुंभ में देखे आपने बड़े हाथी घोड़े जुलूस निकलते हैं वैसे ना हो, कम संख्या रखें। तो ज्यादातर अखाड़ों ने अपनी उस पर सहमति भी दी है कि वो इन नियमों का पालन करेंगे। तो इस ब्रह्मकुंड घाट पर यहां पर आएंगे, वो स्नान करेंगे और आप जवाब देख रहे हैं कि संख्या लगातार घट रही है, जो 2 घंटे पहले थी उसकी संख्या में जो है वो घट रही है। तो अब जब लोग चले जाएंगे खाली हो जाएंगे तो इनकी सफाई की जाएगी, क्योंकि अखाड़ों के लिए जो नियम है परंपरा है उनके तहत इनकी साफ सफाई की जाएगी, ये पूरा रास्ता खाली किया जाएगा। अब जो श्रद्धालु हैं जब ये कम होंगे 10 बजे जिन जिन अखाड़ों का समय तय किया गया है, निरंजनी अखाड़ा हो, अग्नि अखाड़ा हो, जूना अखाड़ा हो, ये अपनी पेशवाई लेकर के अपने महामंडलेश्वरों को अपने शिष्यों को लेकर के यहाँ पर आएंगे। और हमें अगर याद हो कि जो हमने प्रयागराज में देखा था अर्धकुंभ की वो छटा, कि वो जो पेशवाई निकलती है वो अपने आप में अद्भुत होती है। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उन श्रद्धालुओं के लिए, और हम भी अपील करना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो नियमों, कोरोना अभी है, उन नियमों का पालन जरूर करें। हालांकि यहाँ पर उनके लिए काफी बंदोबस्त किया गया है, सैनिटाइजेशन पॉइंट बनाए गए हैं, हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन आखिरकार नियमों का पालन श्रद्धालुओं को ही करना होगा क्योंकि जान है तो जहान है।